गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हम आज एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ आए हैं और साथ ही हम आज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले हैं गाइस। मतलब जो आज हम करने वाले हैं एक बल्ब की ब्राइटनेस को ज्यादा और कम करने के लिए। तो चलिए गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर है हमारा छोटा सा एक बकेट, मतलब कंटेनर, जिसमें हमने पहले पानी रखा है। केवल ये कुछ काली पानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी है। और यहाँ पर हमारे पास है नमक। गाइस, हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक जो है पानी में डालेंगे। मेरे हिसाब से इतना जो है नमक है वो काफी है। और इसको गाइस हम ठीक से इसमें पूरा मिक्स कर देंगे। हो गया गाइस, मतलब हमने जो सॉल्ट इसमें डाला था उसको पूरा पानी में मिक्स कर दिया गाइस। तो अब आपको आप सोच रहे होंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी के काम करते हैं तो हमारे पास कुछ सर्किट नहीं है, तो हमने एक सर्किट रेडी करके रखा है, तो उस सर्किट को लेके आते हैं। तो गाइस, हमारे जो सर्किट है पूरा रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बल्ब है और यहाँ पर है हमारा दो सर्किट। इसके दो पॉइंट को कट किया है और इसको अलग अलग किया है। जब हम इस पॉइंट को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस कि लाइट कितनी रोशनी है। तो अब जैसे आपको पता है कि हमने इस पानी में थोड़ा सा नमक मिलाया है और इस पानी में हम जब इस टर्मिनल्स को दूर से लगाते हैं, आप देख सकते हैं गाइस कि बल्ब की रोशनी बहुत ही कम है। और जब हम इसको धीरे से पास लेके आते हैं, आप देख सकते हैं कि बल्ब की रोशनी ज्यादा हो रही है गाइस। और फिर से जब हम इसको पीछे लेके जाते हैं तो बल्ब की रोशनी बहुत ही लो हो रही है। और फिर से जब हम इसको आगे लेके आते हैं तो इसकी रोशनी बढ़ रही है गाइस। तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा सॉल्यूशन है, तो आपको सॉल्यूशन को दिखाते हैं। तो इस टर्मिनल्स को यहाँ पर रखते हैं और हमारे पास है गैस यहाँ पर थोड़ा सा नमक। और इस नमक को हमको थोड़ा, मतलब इतना सा फिर से हम इतना नमक लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे गैस। थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। तो गाइस, अब इस जो टर्मिनल है उसको इसके अंदर डाल के देखते हैं और आप देख सकते हैं गाइस कि बल्ब की ब्राइटनेस जो है कितनी रोशनी से जल रही है। अगर हम उसको धीरे ले जाए या पास लाए और कुछ भी नहीं हो रहा है गाइस, मतलब दूर ले या पास ले कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है गाइस। तो गाइस, या इसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं। पहले हम इसको पूरा ऑफ कर देते हैं। तो गाइस, हमने पूरी इस लाइट को, सर्किट को ऑफ कर दिया है। तो अब बताते हैं इसकी वजह क्या है गाइस। जैसे आपको पता है कि जो आयरन की कमी, उसकी वजह से जो लाइट था पहले उसका ब्राइटनेस बहुत ही कम था और पास लाने पर ज़्यादा हुआ। फिर जब हमने आयरन को ज़्यादा किया, आयरन के पार्टिकल्स को ज़्यादा किया, तो लाइट की कंडेंसिटी बहुत हो गई और लाइट की ब्राइटनेस फुल में बदल गई। तो ये रहा आज का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। तो अगर आपको इस वीडियो में आया मज़ा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।